प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम क्रेमर नियम को समझते हैं, तो देखिए क्रेमर नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेमर नियम और अगला एक आएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, वहां से आपको हर साल एक क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए कैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस तरीके से आपको तीन इक्वेशंस का एक निकाय मिलेगा, वेयर जहां अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। डेल्टा इक्वल टू क्या करना है, ध्यान देना, ये सारणी बना रहा हूं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ऐसे ही अगर बात करें हम डेल्टा 1 की, तो डेल्टा 1 कैसे होगा, जो d1 d2 d3 है इसको लिखो फर्स्ट पोजीशन पे, d1 d2 D3 और बाकी सेम कर दो। कैसे, B1 B2 B3 C1 C2 C3 कंप्लीट। ऐसे ही आपको डेल्टा 2 करना है। डेल्टा 2 में क्या होगा, D1 D2 D3 है वो अब सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। कहने का मतलब है यहां तो A1 A2 A3 और यहां पे क्या होगा D1 D2 D3 और यहां पे C1 C2 C3। ऐसे ही डेल्टा 3 क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहां पे क्या होगा D1 D2 D3। इतना आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो जाती है। अगर इतना आपको आ गया उसके बाद देखिए कैसे करेंगे। और क्रेमर नियम में जो मैं आपको ये थ्योरी लिखवा रहा हूं इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो देखिएगा कई बार यहां पर a11 b11 b12 c13 इस टाइप में भी लिखा मिल सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही कॉन्स्टेंट है a b c तो सब। अब उसके बाद देखिए कि क्या करना है, कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। अब इनके जो तीन केस हैं उन तीनों केसों को ध्यान से देखना है। देखिए केस फर्स्ट, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो तब समीकरण निकाय संगत होगा तथा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब एक ही हल होगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो तब समीकरण निकाय संगत होगा तथा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो कैसे निकालना है, x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा करना, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा करना और z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा xyz का। ऐसे ही अब आप केस सेकंड पे आओ। केस सेकंड बड़ा जबरदस्त है, जब डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 बराबर 0, डेल्टा 2 बराबर 0 और डेल्टा 3 बराबर 0 हो तब समीकरण निकाय संगत होगा तथा समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे एंड देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जब डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 यानी सब जीरो हो जाए तो समीकरण निकाय
अनंत हल होंगे। और अब देखिए केस थर्ड, ये एज इट इज आपको याद करने हैं, इन पर ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो केस थर्ड देखिए क्या होगा, केस थर्ड जब डेल्टा इक्वल टू जीरो हो तथा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से कम एक एस शून्य हो, व्हेन डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉट जीरो, कम से कम एक एस शून्य यानी कि शून्य नहीं हो, तब समीकरण लिखा है, तब समीकरण लिखा है, तब समीकरण लिखा है एस संगत होगा तथा समीकरण लिखा है का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा जब डेल्टा इक्वल टू जीरो तथा इनमें से कम एक अशून्य हो, तब समीकरण निकाय असंगत होगा तथा समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो आपको ये जितने भी मैंने आज बताए हैं केसेस, ये तीनों केसेस आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन हम आगे करेंगे।